छठ व्रत में भी पूरा दिन खाना बनवाने वाला ससुराल। अरे जाने किस तरह के लोग हैं, देखो जरा भाई लोगों, बेचारी बहू को इस हाल में पहुंचा दिया। कसाई हैं सबके सब एक नंबर के। सो आने सच बात कही आपने भाई साहब, मैं तो ये सोच रही हूँ कि पता नहीं लड़के वालों ने क्या देखकर अपनी फूल सी बेटी को इनके घर में दे दिया। इन लोगों को पता ही नहीं है बहू को किस तरह से रखा जाता है। अरे बस कीजिए आप सब लोग, तुम लोग होते कौन हो हमारे परिवार के बीच में बोलने वाले? यह हमारे घर का मसला है, हम सुलझा लेंगे, और हमको अपनी बहू का ख्याल रखना आता है। छठ पूजा के घाट पर भक्तों की भीड़ लगी हुई थी, बहू पूजा बेहोश पड़ी हुई थी और सब लोग उसके ससुराल वालों को सुना रहे थे। क्या पूजा को अपने ससुराल में ऐसी कुछ ज्यादती सहनी पड़ी? अरे अरे कहाँ चल दिए आप लोग, कहानी अभी खत्म नहीं हुई। तो प्यारे दर्शकों दिल थाम कर बैठिए, ले चलते हैं आपको कहानी के पिछले भाग में। बड़ी ही धूमधाम के साथ पूजा और उत्तम की शादी हो जाती है। केटर्स खाने की टेबल सजाते हैं, तभी पूजा की माँ मीना सभी को बुलाती है। समधन जी, समधी जी, जमाई राजा, पूजा, चलिए सब लोग आ जाइए, खाने की मेज लग गई है। थैंक गॉड आंटी जी, खाने लग गया, भूख की मारी कब से मेरे पेट में चूही दौड़ रही है। खाने का जिक्र सुनते ही पूजा के ससुराल वाले, जो कि बहुत ही भुक्कड़ मिजाज के हैं, सरपट से डाइनिंग टेबल की तरफ दौड़ लगाते हैं और सब खाने पर टूट पड़ते हैं। अरे वाह, मटर पनीर तो क्या मस्त बनी है, और बटर नान भी एकदम बढ़िया है, आज तो मैं दबा कर खाऊंगा। अरे जो मिले लपेटता रहा बेटा, मुझे तो ये मिक्स वेज भी बड़ी स्वादिष्ट लग रही है। वैसे विशाखा भाभी, मटर पुलाव ट्राई करके देखो, एक नंबर बना है। वही खा रही हूँ बाकी ननन जी, वैसे पुलाव के साथ दाल मखनी मिलाकर खाकर देखो, डबल मजा आएगा। ससुराल वालों को हफ्सियों की तरह खाते देखकर पूजा की माँ बड़ी बड़ी आंखें निकाल कर बोलती है, हे भगवान, लगता है सबके सब जन्मों के भूखे लेकर आए थे, देखो तो कैसे नॉनस्टॉप खाए ही जा रहे हैं। क्या हुआ मम्मी, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? मुझे तुझको लेकर टेंशन हो रही है पूजा, देख नहीं रही तेरे ससुराल वाले तो एकदम खाई लाल है। ऐसे तो ससुराल में तेरा सारा दिन रसोई में ही खाना बनाते बनाते गुजर जाएगा। ओह माँ, तुम ज्यादा ओवर सोच रही हो, शादी का खाना सबको ज्यादा पसंद आता है, इसीलिए मेरे ससुराल वाले ज्यादा खा रहे हैं, डेली डेली कोई इतना तला भुना खाना नहीं खाता है। पूजा विदा होकर अपने ससुराल आ जाती है और पहली रसोई की बारी आती है। गुड मॉर्निंग सबको, आप सभी बता दीजिए आप सब लोग क्या क्या खाएंगे। ससुराल के सदस्य एक एक करके अपनी अपनी फरमाइश बताते हैं। सबसे पहले मेरी बारी, क्योंकि मैं इस घर में सबसे बड़ा हूँ, बहू मेरे लिए बढ़िया सी मसाला कचौरी बनाना, दाल पूरी बनाना और मिक्स वेज बना देना। बहू मैं तो भैया चावल की पार्टी हूँ, इसलिए मेरे लिए मटर डालकर पुलाव बनाना और साथ में बढ़िया सी सब्जी बना देना। भाभी मैं तो बिरयानी की शौकीन हूँ, तो मेरे लिए स्पेशल बिरयानी बनाना। देवरानी जी मेरे लिए तो बटर डालकर दाल मखनी और तंदूरी रोटी बना देना। निकू तुम भी बता दो चाची जी को क्या खाना है। चाची मैं तो गोलगप्पे चाट पापड़ी खाऊंगा। सबकी अलग अलग फरमाइश सुनकर बेचारी पूजा का सर चकराने लगता है। हे भगवान, इतनी सारी वैरायटी बनाने में आज तो रील बनने वाली है, गोलगप्पे चाट पापड़ी मटर पनीर और भी न जाने क्या क्या, मुझको तो अभी से बुखार लग रहा है। मम्मी ने ठीक कहा था, मेरे ससुराल वाले बहुत ही ज्यादा भुक्कड़ हैं। चल पूजा हो जा शुरू। पूजा किचन में आकर सबकी पसंद का खाना बनाती है, जिसमें लगभग 3 से 4 घंटे लग जाते हैं। वो सारा खाना मेज पर पेश करती है, सब खाकर खूब तारीफ करते हैं। वाह, नई बहू क्या खाना बनाया है, तुम्हारे हाथों का तो स्वाद निराला है। सचमुच बहू, नमक मिर्च के मामले में तेरा हाथ एकदम बराबर है, मैं तो उंगलियां चाटती रह गई। ये सुनकर पूजा की जेठानी चुटके लेते हुए कहती है, सच में सासू माँ, देवरानी जी के खाने का तो कोई मुकाबला नहीं, हलवाई को भी फेल कर दिया, इसीलिए अब सारा खाना तुम ही बनाना। ये सुनकर पूजा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं। इसी तरह से लगभग 1 सप्ताह हो जाता है, पूजा अपने ससुराल के रवैये से पूरी तरह वाकिफ हो चुकी है। हे प्रभु, ये कौन सी भुक्कड़ घर में आफसी हूँ मैं, मुझे तो आराम मिलना ही मुश्किल है। गुजरते दिनों के साथ छठ पूजा भी आ जाती है। बहू तुझे तो पता है कि मैं शुगर और बीपी की मरीज हूँ, हर साल किसी न किसी तरह छठ पूजा कर लेती थी, लेकिन इस साल से तुझको ही छठ पूजा मनाना है। पूजा गहरी सांस भरते हुए कहती है, चलो अच्छा है, कम से कम छठ पूजा के 3 दिन का खाना बनाने से छुट्टी मिल जाएगी, जी भरकर आराम कर लूंगी, फिर तो वही 3 टाइम खाना बनाने की ड्यूटी लगनी है।
लेकिन बेचारी पूजा के इस अरमान पर भी पानी पड़ जाता है। उसे सारी साफ सफाई अकेले करनी पड़ती है। सास ननन जेठानी एक दिन का भी टस से मस नहीं करती। वो पूरा घर गोबर से शुद्ध करती है, पकवान बनाती है, तभी उसके ससुराल वाले खाने की फरमाइश कर देते हैं। नहीं बहू, ओ नहीं बहू, आज नाश्ता पानी करवाने का इरादा नहीं है क्या तुम्हारा? ये सुनकर बेचारी बहू के चेहरे की सिट्टी बिट्टी कुल हो जाती है। ससुर जी, मैंने तो छठ पूजा किया है, मेरा व्रत है। हाँ तो तुम नहीं खा सकती ना, लेकिन हमारा तो बगैर खाए गुजारा नहीं है ना। हमारे लिए तो वो नाश्ता पानी बना लो भाई। ऐसा करो, पनीर की भुर्जी और आलू के मक्खन लगा के पराठे बना दो आज। ससुर जी, कुछ हल्का फुल्का बनवा लीजिए, मेरा व्रत है, ज्यादा देर किचन में खड़ा नहीं हुआ जाएगा। ओहो देवरानी, तुम तो ऐसे नखरे दिखा रही हो जैसे कोई पहाड़ तोड़ना है। पराठे ही तो बनाने हैं, बना लोगी? इस तरह भुक्कड़ ससुराल वाले छठ पूजा वाले दिन भी भारी भरकम खाना बनवाते हैं। बेचारी बहू बहुत ज्यादा था कर चूर हो जाती है, इसके बावजूद भी सब लोग मिलकर कमियां निकालते हैं। अरे देवरानी, ये किस तरह आलू के पराठे बनाए हैं? पराठे में बिल्कुल दम नहीं, थोड़ा नमक कम है, और ये पनीर भुर्जी भी ठीक से पकी नहीं है। कमाल है, इतनी मेहनत करके भी कमी निकाल रहे हैं। मेरी ससुराल वाली बिल्कुल ही एहसान फरामोश है। एक तो व्रत में भूखे प्यासे रहकर मैंने उनके लिए नाश्ता पानी बनाया, फिर भी कमी ही निकाल रहे हैं। सभी को खिलाते खिलाते पूजा काफी ज्यादा देर से घाट पर आई, जहाँ लोग छठ पूजा मनाकर जा रहे थे। ये क्या, सारे के सारे लोग तो जा रहे हैं, यानी कि मुझको अकेले पानी में खड़े होकर छठ पूजा मनाना होगा। छठ पूजा की रौनक लोगों की चहल पहल से होती है, अब तो घाट कितना खाली खाली सा हो गया है। मायूस होकर पूजा अकेले पानी में खड़ी होकर आर्घ्य देती है, तभी 2 मिनट के अंदर अंदर ही सूरज भी डूब जाता है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी पहली छठ पूजा इतने फीकी तरह से मनाऊंगी। खैर, अब यहाँ से जाकर काम ही क्या है, आराम कर लूंगी। घर लौटकर पूजा अपने कमरे में आराम करने लगती है। हे छठी मैया, अब जाकर थोड़ा सा रेस्ट मिला है, सो जाती हूँ। वैसे भी सुबह छठ घाट पर जाने के लिए जल्दी उठना पड़ेगा। तभी कमरे में पूजा का पति उत्तम आता है। ये क्या पूजा, तुम यहाँ आराम कर रही हो? वो सब लोग डिनर के वेट में बैठे हैं, सबको भूख लगी है, खाना तो बना दो यार। अपने पति की बात सुनकर पूजा का चेहरा उतर जाता है। उत्तम जी, मैं दिन भर की थकी हुई हूँ, दर्द के मारे बदन टूट रहा है, एक तो मेरा छठ व्रत भी है। आप जाकर विशाखा भाभी को बोल दीजिए ना डिनर बनाने के लिए। पूजा, तुम्हें पता तो है विशाखा भाभी के हाथों का खाना कोई खास पसंद नहीं करता, सब तुम्हारे हाथों का बना खाना खाते हैं, चलो उठ जाओ। पूजा दुखी होकर किचन में आकर डिनर बनाती है। ज्यादा थकावट से उसे तेज बुखार हो जाता है। अब क्या ही सोऊंगी, सबको डिनर करवाते रात के 12 बज गए, सुबह के छठ पूजा के लिए ठेकुआ पूरी का प्रसाद भी बनाना है, किसी ने भी तरस नहीं खाया, 3 दिन का छठ पूजा किया है मैंने तब भी। सब अपने अपने कमरे में जाकर बेड पकड़ लेते हैं, जबकि बेचारी बहू भूखी प्यासी अगले दिन के प्रसाद की तैयारी करती है। छठ पूजा का उपवास करने वाली औरतें आराम करती हैं, लेकिन मेरे भूखे नंगे ससुराल वालों ने आराम हराम किया हुआ है। जाने किस पेटू लोगों के परिवार में आकर फंस गई मैं। प्रसाद बनाते बनाते सुबह बीत जाती है। सब दोबारा से घाट पर आते हैं, जहां पूजा बेहोश हो जाती है। इसलिए घाट पर मौजूद लोग, जो कि उसके ससुराल वालों के रवैये से वाकिफ थे, उन्हें खूब सुनाते हैं, लेकिन इतने के बाद भी उनमें कोई सुधार नहीं आता। घर आकर भी वो बहू से खाना मांगते हैं, तभी पड़ोसन प्रसाद देने आती है। भाभी, मैं कब से चिल्ला रही हूँ, मुझको प्रसाद दे दो। हाँ दे रही हूँ बाकी, बस 2 मिनट रुको, पापा जी को दे दूँ पहले। हे भगवान, इन सब ने तो मेरी जिंदगी छंड कर रखी है। पूजा के ससुराल वालों का भूख के लिए मचाते तमाशे को देख कर पड़ोसन पुष्पा ताना मारती है। हाय हाय, कैसे बेशरम ससुराल वाले हो तुम लोग, शर्म लिहाज धोकर भी गए हो क्या? अरे बहू की हालत देखो, अरे 3 दिनों के व्रत रखे हुए हैं और तुम लोग इससे खाना मांग रहे हो, उल्टा इसे परोस कर देने के बजाय इंसानियत नाम की चीज भी है या नहीं? पड़ोसन की बात से खाए लाल ससुराल वाले शर्म से पानी पानी हो जाते हैं और जेठानी उठकर खाना परोस कर देती है। देवरानी जी, सबसे पहले तुम खाओ, तुमने 3 दिनों का छठ पूजा किया हुआ था, तुम्हें भूख लगी होगी। सबके चेहरे पर पछतावा देखकर पूजा को संतोष हुआ। पूरा परिवार अपने खाने के रूटीन में बदलाव ले आता है, जिससे बहू को भी आराम आ जाता है और सब खुशी से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही क्या आप भी हमारी स्टोरी से रिलेटेड किसी ऐसे ही ससुराल को जानते हैं जो अपनी बहू की परवाह न करके उससे पूरे टाइम खाना बनवाते हैं, तो हमें ये भी बताइए। और इसी के साथ आप सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं।